जिंदगी के बहुत सारे इमोशंस में, जैसे कि खुशी में या गम में या फिर फ्रस्ट्रेशन में, हमें रोना आ जाता है, सही है। अब मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाला इंसान खुशी में रो रहा है या गम में रो रहा है या फिर फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है। तो वो क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू उसके राइट आंख से निकले तो इसका मतलब वो खुशी में रो रहा है। अगर कोई इंसान रोना शुरू करे और उसका पहला आंसू लेफ्ट आंख से निकले तो इसका मतलब वो गम में रो रहा है। और अगर कोई बंदा रोना शुरू करे और दोनों आंखों से एक साथ आंसू निकल रहे हो तो इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में रो रहा है। है ना अमेजिंग फैक्ट। इनफैक्ट इसके पीछे एक रिसर्च भी है, ये ऐसे ही नहीं पता किया गया है। गाइज, अगर आप एरोप्लेन पे ट्रेवल किए हो तो आपको ये पता ही होगा कि बहुत सारी चीजें एरोप्लेन में अलाउड नहीं होती, और उन्हीं में से एक है मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर। जी हाँ, मर्क्यूरी वाला ये पुराना थर्मोमीटर आप एरोप्लेन में नहीं लेके जा सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली एरोप्लेन में बहुत सारा हिस्सा एल्यूमिनियम का बना होता है, और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो कि एल्यूमिनियम के साथ तुरंत कंबाइन होके उसमें जंग लगा देता है, उसे गलाना शुरू कर देता है। मजे की बात यह है कि मर्क्यूरी इसमें खुद को कंज्यूम करता ही नहीं है, और वो तब तक एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता रहता है जब तक वो पूरी तरह से गल नहीं जाए। अब आप सोच ही लीजिए कि अगर मर्क्यूरी का एक छोटा सा बूंद भी एरोप्लेन में गिर गया तो क्या हालात होंगे। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे लंबी यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो शायद आप लोग बड़े आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि इस पे गाना आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एंड दैट इज बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बिल्डिंग इतनी लंबी है कि इस बिल्डिंग से आप दिन में दो बार, जी हाँ दिन में दो बार सनसेट देख सकते हैं। एक बार तो ग्राउंड पे रह के और एक बार एलिवेटर लेके अगर आप टॉप पे जाएंगे तो टॉप से आप फिर से सनसेट देख पाएंगे। है ना अमेजिंग फैक्ट। घटना है ऑस्ट्रेलिया की, जहां पे एक महिला ने घोड़े की रेस में $825 की एक इनामी राशि जीती। अब खुशी इतनी ज्यादा थी कि ना आव देखा ना ताव, और उस महिला ने जिस टिकट से $825 की इनामी राशि जीती थी उसके साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड की और कैप्शन में लिखा कि यही वो टिकट है जिसने मुझे $825 जितवाए हैं, और स्माइल के साथ फोटो डाल दी। अब थोड़ी देर में एक बंदे ने उस टिकट को डाउनलोड किया और उस पर एक बार कोड था जिसे स्कैन किया और सारी पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। गाइज, कई बार सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जरा संभल के सेल्फी अपलोड करिएगा। पिता मरने की सिचुएशन में था तो उसने अपने बेटे को बुलाया और एक घड़ी देते हुए कहा कि बेटा ये घड़ी मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी और ये 200 साल पुरानी है, अब तुम पास की वॉच शॉप पे जाओ और इसका प्राइस पूछ के आओ। वो लड़का गया और वापस आके कहने लगा कि वॉच शॉप वाले इसका मात्र $1 ही देंगे क्योंकि घड़ी बहुत पुरानी है। अच्छा ठीक है। उसके बाद पिता ने कहा कि तुम इसी घड़ी को म्यूजियम लेके जाओ और फिर रेट पूछ के आओ। वो म्यूजियम गया और जब वापस आया तो उसने कहा कि म्यूजियम वाले इसके लिए $1,00,000 देने को तैयार है क्योंकि ये घड़ी बहुत पुरानी है। अब गाइस, घड़ी वही थी लेकिन देखने का नजरिया अलग था, इसीलिए कीमत अलग थी। बस आपको जिंदगी में यही करना है, सामने वाला आपको किस नजरिए से देख रहा है ये परख अगर आपने कर ली तो आपकी कीमत और किस्मत दोनों बदल जाएगी। गाइस, बचपन से हमने ये पढ़ा है कि अर्थ और उसके साथ साथ सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। अभी रीसेंट स्टडी से पता लगा है कि अर्थ और बाकी प्लेनेट और उनके साथ साथ सन खुद भी सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि सोलर सिस्टम का जितना भी मास है उसका 99.87% मास अकेले सन का ही है, और इसी वजह से सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सन के पास ही लाई करता है, और इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि प्लेनेट एक्चुअली सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ सन, अर्थ और बाकी प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आप इसका डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।